हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड वी आर बेसिकली मीटिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। एंड नाउ आई हैव अ वेरी वेरी यू कैन से इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिक्स हैबिट्स इन योर लाइफ, इन योर डे टू डे लाइफ, दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ बिकॉज इट विल डेफिनेटली गिव यू मोर पीस, मोर रिलैक्सेशन, मोर एनर्जी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, राइट। सो ये जो हैबिट्स हैं ये मोस्टली हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत ही छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं और इन्हीं छोटी छोटी हैबिट्स से हमारा पूरी की पूरी जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट हैबिट दैट यू वॉन्ट टू चेंज इन योर लाइफ इज दैट स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स बिफोर एंड आफ्टर द स्लीप इमीडिएटली। क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सोने से पहले हम लोग फोन ही चला रहे होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अपने आप को बेशक हाफ एन आवर का इंटरवल ही दो, स्टार्ट विद द 15 मिनट्स, राइट। 15 मिनट्स पहले सोने के आपको अपना जो फोन है वो साइड पे रख देना है। एंड आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल कांट स्विच ऑफ देयर फोन्स बिकॉज सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर टू बी डन। बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग अगर बाहर होते हैं हॉस्टल्स वगैरह में या कहीं और रह रहे होते हैं तो पेरेंट्स कई बार डर जाते हैं अगर हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं अपना फोन। तो एग्जैक्टली हम लोग अपना फोन अपने साथ तो हमें ऑन रखना ही पड़ेगा। अगर आप घर पे हो तो कोशिश किया करो कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना स्विच ऑफ करके ही फोन सो। और अगर आप कहीं बाहर हो, बाहर रह रहे हो, तो ऑब्वियसली आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज योर लव्ड वंस विल गेट यू कैन से उनको एंजाइटी हो जाती है व्हेन यू डोंट पिक अप द फोन राइट दैट टाइम, राइट। तो उसको आप डील करने के लिए क्या कर सकते हो, जो अपना फोन है एटलीस्ट अपने आप से सोने से, अगर आपका बेड यहाँ है तो एटलीस्ट थोड़ा सा दूर रख के सो ताकि जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, उसकी वाइब्स हैं, वो आपको ज़्यादा मतलब आपके माइंड को ज़्यादा इफेक्ट ना करे और आपको एक बेसिक अच्छी सी स्लीप मिल सके। और बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि जैसे हम लोग उठते हैं, उठने से बिल्कुल उठते हैं और साथ में अपना फोन पकड़ते हैं और देखने लग पड़ते हैं। सो स्टॉप डूइंग दैट थिंग बिकॉज ये आप में एंजाइटी बहुत ज़्यादा लाएगा, आप में रिलैक्सेशन ज़्यादा नहीं लाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सोने से पहले ना फोन यूज करना है और ना ही आपको फोन देखना है, तो साइड पे रख के चलना है। और साथ ही साथ में एक सेकेंड हैबिट है, डोंट स्विच ऑन योर यू कैन से टेलीविजन्स ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर द स्लीप इमीडिएटली। बिकॉज वही जो थॉट्स होते हैं जो आपने टेलीविजन में देखे, टीवी में देखे, कहीं पर भी देखे, और वही लेके सोते हो और वहीं पर ही सोचते रहते हो और वही चीज़ें बाद में आपके सामने आ जाती हैं, राइट। तो हमें ऐसे थॉट्स अपने अंदर लेने ही नहीं है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करनी है। आई नो दिस विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू व्हेन यू स्टार्ट इट। मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी ये चीज़, बट आई हैव ट्राइड, राइट। मैंने पहले स्टार्ट किया 10 मिनट्स से, राइट, 10 मिनट्स अपने सोने से पहले और सोने के बाद फोन को पकड़ा ही नहीं बिल्कुल भी। देन 15 मिनट्स, देन हाफ एन आवर, देन 1 आवर, देन टू आवर्स, इस तरह से मैं वर्क ऑन करती गई, राइट। तो आप लोग भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। और ये सच में अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है ये चीज़। दो चीज़ें ये रही, फर्स्ट इज कि मोबाइल फोन्स यूज ना करो बिफोर एंड आफ्टर द स्लीप इमीडिएटली, और टेलीविजन भी नहीं, राइट। नेक्स्ट इज स्टार्ट योर डे विद द प्लानिंग इन योर माइंड। वॉट डज प्लानिंग मीन? प्लानिंग मीन्स ये नहीं कि मैं ये कर लूंगा, मैं अपने ये वाली कोई रोल है, अगर मैंने गोल रखा है अपनी लाइफ में वो फुलफिल कर लूंगा या कर लूंगी, तो उससे आपको ऐसा नहीं करना। यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट योर डे विद द प्लानिंग, इन द सेंस दैट उसी डे के बारे में प्लान करो कि आज आप क्या क्या करोगे, ठीक है। अब प्लानिंग आगे जाके किस तरह से चेंज होती है वो तो हमें नहीं पता होता, बट एटलीस्ट जब हम लोग प्लान बनाते हैं तो हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये वाला आप एक तरीका ज़रूर अपने मतलब पूरे डे की स्टार्टिंग में इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द डे एंड जब एंडिंग हो जाती है, जब सोने से पहले, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में अगर आप वो वाली हैबिट्स को चेंज करते हो। नेक्स्ट इज इंक्लूड समथिंग, सम हॉबीज और एनीथिंग दैट यू लाइक विच मेक्स यू फील मोर हैप्पी, राइट। इन
दैट डे ओनली. हर एक अपने डे में इंक्लूड करो अपनी वो वाली चीज, अपनी कोई हॉबी हो या कुछ भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, वो जरूर एक पर्टिकुलर डे जो आपको मिला है उसमें इंक्लूड करो, ताकि आप लाइवली रह सको, ताकि आप ज्यादा जब भी कोई स्ट्रेस कंडीशन आए तो आप एकदम से कोई स्ट्रेसफुल ना हो जाओ, एंजाइटी ना हो जाए आपको. तो उसके लिए नेक्स्ट नेक्स्ट इज टॉक विद एटलीस्ट वन ऑफ योर लव वंस और फ्रेंड्स, और उसी वाले फ्रेंड या अपने लव वन से, दैट विल गिव यू पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, दैट टॉक्स पॉजिटिव. अगर आप उनसे 15 मिनट्स या हाफ एन आवर या 10 मिनट्स ही बात कर लेते हो, तो आपकी जो मतलब जो आपको होता है कि मैंने अपने लाइफ में कुछ करना है, आई डू वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई डू वॉन्ट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ, तो आप उसके लिए हमेशा के लिए एक्टिव रहते हो. सो स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स. लास्ट वन इज स्टार्ट टेकिंग योर मील्स विद योर फैमिली. जब आप अपनी मील्स को अपनी फैमिली के साथ लेना स्टार्ट करते हो, तब वो आपकी बॉन्ड जो होता है फैमिली के साथ वो भी इंक्रीज हो जाता है, और साथ में आपको ज़्यादा लोनलीनेस में भी नहीं फील होती. अगर लोनलीनेस फील नहीं होती तो आपको बहुत सारी ऐसी कनेक्टेड चीज़ें हैं जो आपको एंग्जाइटी भी फील नहीं होगी, डिप्रेस्ड फील भी नहीं होगा, स्ट्रेसफुल फील भी नहीं होगा. यू आर फ्री टू यू कैन से कि आप हर एक चीज़ अपनी शेयर कर पाओगे, प्रॉब्लम शेयर कर पाओगे. जो आप लोगों का जो एज गैप रहता है कई बारी, तो वो भी कम होता चला जाता है. सो दीज आर बेसिकली द 6 हैबिट्स दैट आई हैव अडॉप्टेड इन माई लाइफ, एंड आई हैव सीन अ ट्रिमेंडस चेंज इन माई लाइफ, एंड दिस विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ टू अ फुलेस्ट. आई होप ये सारे के सारे चेंजेस आप स्टेप बाय स्टेप ही सही थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करने की कोशिश करोगे, एंड दिस विल डेफिनेटली गारंटी है इस चीज़ की, दैट विल डेफिनेटली चेंज योर लाइफ. सो आई होप आपको ये अच्छा लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हैबिट्स पता चल सकें. सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू. बाय.